वीडियो में लोगों को देख के तो लग रहा है ये किसी फॉरेन कंट्री है, यूके में भी। I'm very impressed by how quickly it left on time, by the efficient way our suitcases were loaded here. It's very comfortable. There's a lot more space than you would. और इनको इतना कुछ देखने को मिलेगा ये हैरान होने वाले हैं। आगे भी जाकर देखो, यूपीआई से ये हैरान है, इंडिया के वंदे भारत से ये हैरान है। G20 के डेलीगेट्स वहाँ पर आए हैं जिन्होंने लाइव टेस्ट किया है उनकी ट्रेन का, वंदे भारत ट्रेन उनकी काफी ज्यादा फेमस है और काफी ज्यादा उन्होंने अपनी खुशी का इजहार भी किया एक वीडियो में कि वी आर मच इम्प्रेस्ड बाय भारत टेक्नोलॉजी। हवाले से तो हमारे मुल्क में तो खामोशी इख्तियार की जाए तो बेहतर है। वैसे एज अ टेक्नोलॉजी एंथुसिएस्ट और एज अ जो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग करता हूँ, मेरा तो डेली का यूजेज है। हम आप अपने सब्जी वाले को छोड़े, हम पाकिस्तान में बैठ के बाहर पेपॉल और पेनियर को एक्सेस नहीं कर पा रहे। जर्मन के मिनिस्टर बड़ा हैरान हो गए कि जो फैसिलिटीज़ जो सिस्टम हमारे मुल्क में नहीं है वो इंडिया में कैसे आ गए। उन्होंने इस चीज़ पर इंडिया को काफ़ी सराहा है। इंडिया में जो G20 की मीटिंग चल रही हैं उनमें एक डील हुई है इंडिया और सऊदीया UAE की, कि वो इंडिया से लेके UAE तक सऊदीया तक रेलवे ट्रैक बिछाने वाले हैं और मे भी वो ट्रैक आगे यूरोप तक जाए। बाकी सब ने किए हैं, अमेरिका, चाइना, रशिया सब ने किए हैं, बट जो इंडिया ने इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है ट्रेन का वो वर्ल्ड वाइड देखने वाला है, क्योंकि इंडिया में जो सबसे ज़्यादा ट्रैवलिंग होती है वो ट्रेन के ऊपर होती है। कि हमको या हमारे में जज्बा तो है ना उनसे ज़्यादा है। अच्छा, जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना। ठीक है। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। सऊदीया और UAE के साथ इंडिया वाले डील करने जा रहे हैं कि भाई इंडिया से लेके UAE सऊदीया तक रेल ट्रैक बिछने वाला है। क्या कहेंगे, इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट वो लोग कर रहे हैं, दुनिया में अपनी डील्स कर रहे हैं और पाकिस्तान में जो सिचुएशन है इस टाइम, जो पाकिस्तान की सूरत हाल है वो बहुत नाजुक है। हम आते हैं मीडियम तबके पे, ठीक है ना, तो जो नीचे वाला तबका है और जो बहुत ऊपर वाला तबका है वो फिर भी सुकून में है। क्यों? वो मांग भी सकते हैं, वो और भी काम कर सकते हैं। देखिए, एक मैं बात करूं, अल्लाह माफ करे, मैं किसी की हड्डी करना चाहता, ऊपर वाला ज्यादा मांगते हैं जो हमारे पॉलिटिशियन है वो तो अरबों खरबों में मांगते हैं ना, डॉलरों में, बल्कि अरबों खरबों डॉलरों में। हम जो है ना स्पेस पर, जिसको अपनी इज्जत भी प्यारी होती है और घर के निजाम भी चलाने होते हैं, सारे मामले करने होते हैं और हाथ भी नहीं ऐसे करना था, वो ज्यादा मुश्किल में इस टाइम फंसा हुआ है। बाकी ये जो आपके एक पर्सन की, अब मेरी है ना तो हालात खराब है, आपके तो हालात टाइट है, उनके तो हालात, तो इसी तरह चलता चलता जो दायरा ना वो बढ़ता पूरे मुल्क के हालात खराब है, पूरा कंट्री के हालात खराब है। लेकिन सवाल ये है, मैं जो कर रहा हूँ कि मतलब टॉपिक ये है कि भाई वहाँ पे जो डील्स हो रही है, उनकी माशी हालत देख लें और हमारी देख लें। अब किसी ने इन्वेस्टमेंट करना है, अब मेरे पास मेरी शॉप है जी जी। अगर वो आपको कुछ नजर आएगा तो आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, नहीं तो आपने नहीं करनी। अब मेरे पास लाख रुपया मेरे पास हो, आप करोड़ की इन्वेस्टमेंट किस तरह करेंगे? अब वो अगर इंडिया में जाके कर रहे हैं G20 या जो भी है, तो उसमें उनको नजर आ रहा है कि इंडिया से हमारी इन्वेस्टमेंट हमें फायदा देगी मुस्तकबिल में, हम अरबों खरबों डॉलर में से कमाएंगे, जैसे भी मामला उनका हमें देंगे तो हमसे पैसे वापस कैसे लेने हैं? हमारे तो मतलब वो सिक्योरिटी पहले देखते हैं वो ऐसा ही है। अच्छा, चाइना की अगर बात करें वो क्यों नहीं हमें? वैसे तो देखें इंडिया और चाइना की इस टाइम टसल चल रही है, मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया चाइना को बीट कर देगा जिस तरीके से वो इंटरनेशनल लेवल पे अपना इमेज बना रहा है, जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे वो कंट्रीज के साथ मिलकर चल रहा है? टक्कर तो दे सकता है, लेकिन इंडिया अभी स्ट्रगल कर रहा है, जो वो चाइना है वो स्ट्रगल करके एक पावर बन चुका है। ठीक हो गया ना, इंडिया अभी बच्चा स्टार्ट हुआ है, वो जब इसका तजर्बा बढ़ेगा इंडिया का तो सारी बात उनका भी तो बढ़ता है। इंडिया बहुत तेजी से आगे आ रहा है, बहुत तेजी से आगे आ रहा है इंडिया, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, बहुत तेजी से आ रहा है, हमारा मुहालफ है, हमें इसमें है तो सही है। नहीं, हम अपनी ये सोच क्यों नहीं बदल लेते? एक वैसे बात कर रहा हूँ कि मुखालफ है, हमें तो उल्टा सीखना चाहिए। आप ये मान रहे हैं कि वो आगे नहीं ना सीखते? हम नहीं ना सीखते, हम टांगे खींचने वाले लोग हैं, सीखने वाले नहीं है। ये चीज है, हम टांगे खींचने वाले हैं। हमारा भाई भी ऊपर जा रहा होगा ना, हम साया शोरूम वाला, तो हम कहेंगे यार अपने दिल को छोड़ के हम उसको पकड़ेंगे। और शायद यही वजह है आज पाकिस्तान जिस कंडीशन में, बड़ी वजह यही है कि हम अपने नेबर इवन अपने भाई को आगे बढ़ता नहीं देख सकते। नहीं देख सकते, बिल्कुल नहीं देख सकते। कि अगर वो लोग आगे जा रहे हैं, इवन दूसरे कंट्रीज उनके साथ, इस्लामिक कंट्रीज भी अपने रिलेशन बेहतर कर रहे हैं, हम लोग क्यों नहीं बेहतर कर लेते? सोच क्यों नहीं बदल लेते कि भाई ये दुश्मन है, ये सोच खत्म क्यों नहीं कर? मेरे अपनी जो है ना, मैं कहता हूँ कि हम ना इस पोजीशन में है कि उनसे लड़ सके, ना ही समझे कि ये नहीं कि हमको या हमारे में जज्बा तो है ना उनसे ज्यादा है।
अच्छा जज्बा ज्यादा है। जज्बा हमारे में इसमें ये है कि अगर हम शहीद होते हैं तो हमें सीधी जन्नत है, ये तो हमें एक है ना, ठीक है। बाकी ये है कि वो हमसे थोड़ी टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, इसमें तो कुछ शक नहीं है। अच्छा आपने बोला टेक्नोलॉजी में आ गए, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन जो आपने बोला जज्बा ज्यादा है वो आपने बोला जी इस्लाम की मुसलमान होने की नस्बत, उधर आपको पता है मुसलमान हमारे से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, लेकिन जो जगह में आएंगे ना हमारे सामने वो हिंदू ही आएंगे, मुसलमान बहुत कम कम्युनिटी में नहीं आएंगे। पहले नंबर पे तो होनी नहीं ना चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए, ये तो कह रहा हूँ होनी ही नहीं चाहिए। हमें इनके साथ भी कारोबारी रिलेशन बनाने चाहिए, सारी दुनिया के साथ बनाने चाहिए। हमें हमारा जो एक इमेज बना हुआ है ना कि जी इस्लाम एक शिद्दत पसंद मजहब है, उसको पहले तो खत्म करना चाहिए ना। और वो कैसे खत्म होगा जब हम ऐसी स्टेटमेंट देंगे कि भाई हम जान करना चाहते हैं, हम किला लाल किले पे झंडा लहरा देंगे इस्लाम का, ये वो तो देखे ना, ये मुंह बड़बोले फिर जब आपस में लगती हो ना पड़ोसियों की, तो फिर उसमें थोड़े थोड़े होते हैं मामला, इश्यूज आ जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि हमारा ऑल वर्ल्ड पे हमारे रिलेशन बनने चाहिए उनसे, बिल्कुल एक इस्लाम का जो इमेज है वो बेहतर होना चाहिए, वो है बेहतर, हमने गंदा किया हुआ है, मतलब हम जो बड़े ठेकेदार बनते हैं गंदा किया हुआ है, हमारा कसूर है। इंडिया में तो भाई हर दुकानदार के पास जो है वो क्यूआर कोड लगा हुआ है, एक आजकल बड़ा हिट हुआ है वो है अश्नीर ग्रोवर जो स्टार्टअप उसमें आता है शार्क टैंक में, तो उसका भारत पे है, तो उसने उसमें वो बताते हैं बड़ी डिटेल में किस तरीके से उसने हर जनरल स्टोर पे हर शॉपकीपर के पास जो है क्यूआर कोड लगाया। अब इसमें बेनिफिट हमारी गवर्नमेंट का बेनिफिट है, एक बैंकिंग सिस्टम का बेनिफिट है कि ऐसा अगर मैं किसी को कैश पे करूँ, मैंने अभी यहाँ से कोई चीज़ परचेज़ की है तो मैं उसको कैश पे करूँगा तो वो हमारे रिकॉर्ड में नहीं होगा गवर्नमेंट के, ये बंदा अपना पैसा कहाँ यूज़ कर रहा है, इसकी इनकम सोर्स क्या है। तो अगर यही ऑनलाइन बैंकिंग हो जाए और मेरे मोबाइल से ट्रांसफ़र हो, मेरे बैंक अकाउंट से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो, बीच में कैश इन्वॉल्व ना हो, तो मेरी हर चीज़ को गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है, जिसके अगेंस्ट वो मुझसे टैक्स ले सकती है, हर चीज़ का रिकॉर्ड होगा, मेरे एक्सपेंस कितने हैं, मैं इनकम कितनी जनरेट कर रहा हूँ। कोई शॉपकीपर अभी मैं इसके पास जाता हूँ, इसकी हर प्रोडक्ट के ऊपर टैक्स अप्लाई है, GST लगा हुआ है, बट एज अ मैं उसे कैश पे कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो टैक्स गवर्नमेंट को दे रहा है या नहीं दे रहा। मैं बड़े बड़े स्टोर्स पे भी जाऊँ तो वहाँ भी वो कैश ही लेते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है ऑनलाइन पेमेंट्स लेने का, क्योंकि इसके ऊपर पूरा सिस्टम नहीं बना हुआ, कोई कमेटी नहीं है जो इस चीज़ को लागू करे, लोगों के अंदर लेके आए कि भाई ऑनलाइन पेमेंट्स करो, स्मार्टफोन हर बंदे के पास है, इंटरनेट हर बंदे के पास है, सारी फैसिलिटीज है। कॉन्सेप्ट ही नहीं है पाकिस्तान में ऑनलाइन पेमेंट का, मुझे बताएं, जब यहाँ के लोगों को पता ही नहीं। अभी आप मेरे साथ ये सामने एक छोटा सा स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे डिफरेंट आइटम्स है खाने वाली, हम यहाँ पर चल के बात कर लेना, तो इनको भी नहीं पता होगा कि डिजिटल पेमेंट है क्या। देखिए ये लोगों में अवेयरनेस जब आएगी तभी ये लोग इस चीज़ को यूटिलाइज़ करेंगे, और ये अवेयरनेस करना हमारी गवर्नमेंट का काम है, ठीक है। अब आप देखें कि इंडिया ने कितना अवेयर किया हुआ है अपने सब्जी फरोश तक को कि आपने पेमेंट जो है वो डिजिटल पेमेंट में करनी है, ठीक है। इस अब यहाँ पे लोगों को कॉन्सेप्ट ही नहीं। आप माशाल्लाह से पाकिस्तान के एक पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप डेली विजिट करते हैं मार्केट को, तो आपने कितनी दुकानों पर ये सिस्टम देखा है या कितनी दफ़ा आपने इसको यूज़ किया है? आप छोटी शॉप्स की बात कर रही हूँ, मैं बड़ी फूड चेन्स में मेरा डेली आना जाना होता है, बड़े स्टोर्स पर आना जाना होता है, जो कि जिसकी कई ब्रांचेज हैं लाहौर के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर ब्रांचेज हैं। वहाँ पे जब उनसे बात करते हैं कि यार हम ऑनलाइन पैसे ले लो, हम आपको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैस कैश कर रहे हैं, या वो कहते हैं भाई हमारे पास है ही नहीं है कुछ इस तरह का सिस्टम, आप कैश कर भी दो तो कहते हैं जरा स्क्रीनशॉट तो व्हाट्सएप करना। स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप तो लगा, मेरे दो दिन पहले मेरे साथ एक ऐसा इवेंट हुआ है, लाहौर की बहुत बड़ी बिरयानी की चेन है, फूड चेन, हर दूसरी गली में उनकी शॉप होगी, मैं गया बिरयानी खाई वहाँ पर, तो मैंने कहा यार ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने हैं मैंने आपको, वो कहते हैं ऑनलाइन सिस्टम नहीं है। मुझे आधा किलोमीटर बाइक ट्रैवल करके एक भाई को मैंने अपने दोस्त को वहाँ खड़ा किया, आधा किलोमीटर जाके मुझे ATM से पैसे निकलवा के ला के उसको मैंने पेमेंट की। तो यही अगर अब मैंने ATM से पैसे निकलवाए मैं उसको किसी भी मकसद के लिए इस्तेमाल करूँ, यही अगर मैं डायरेक्ट ऑनलाइन ट्रांसफ़र करूँ, जो बंदा मेरे से परचेज़ कर रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, उस बिरयानी चेन के ऊपर टैक्स लगा सकती है कि भाई वो एक चीज़ सेल कर रहे हैं तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा, तो वो गवर्नमेंट उसे ले सकती है। दोस्तों भारतीय टेक्नोलॉजी से बनी मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की तारीफ आज जापान और जर्मनी जैसे विकसित देशों में भी हो रही है। और दोस्तों इतना ही नहीं, वहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि इतने सस्ते किराए में काश हमारे देश में भी ऐसी ट्रेनें चलती। दोस्तों G20 मीटिंग के लिए सभी देशों से मीडिया डेलीगेट्स भारत आए हैं, और इसी दौरान इन सभी विदेशी डेलीगेट्स ने वंदे भारत ट्रेन में सफ़र किया, और उन लोगों का सफ़र के बाद कहना था कि वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बहुत ही अच्छी और एडवांस ट्रेन है। साथ ही साथ उनका कहना था कि इस ट्रेन के फीचर्स और इनमें मिलने वाली सुविधाएं उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आई है। दोस्तों ये भारत के लिए बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि भारत की टेक्नोलॉजी को जापान, जर्मनी और अमेरिका जैसे सुपर पावर देशों से भी प्रोत्साहन मिल रहा है। दोस्तों ये वही मीडिया वाले हैं
जो अपने अपने देश में टीवी चैनलों पर भारत को लेकर झूठी खबरें दिखाते रहते हैं कि भारत में कितनी ज़्यादा गरीबी है। तो दोस्तों, अब इन सभी पत्रकारों की आंखें खुल गई कि भारत में ट्रेन का सिस्टम हो या फिर UPI पेमेंट का, ये तो विकसित देशों से भी ज़्यादा अच्छा है। अब उनको पता चला कि भारत को वो लोग जैसा समझते हैं, भारत वैसा बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।